अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रह्मचर्य पालन करना शरीर से ताकतवर और दिमाग से तेज बनना आसान काम है या कठिन एक आम इंसान के लिए क्या यह सब अपने आप होता है या इसमें मेहनत लगती है आपका जवाब शायद यही होगा कि तपस्या करना या किसी भी स्तर पर शक्ति हासिल करना बहुत कठिन काम है पर यदि आप इसमें कामयाब हो गए तो इससे भी बड़ा चैलेंज आपके सामने आएगा और वो है शक्ति को संभाले रखना अब आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जैसे ही अपनी एनर्जी को बचाना शुरू किया वर्कआउट करने लगे तो आपने एक बहुत ही पावरफुल इमोशन को अपने अंदर बढ़ते हुए फील किया गेस करें वो कौन सा इमोशन है यह है गुस्सा एंगर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर काम ऊर्जा के रूप में दुनिया की एक शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है साथ में आपके शरीर में मर्दाना हार्मोन बढ़ना शुरू हो गया अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक आदमी चैन से बैठना छोड़ देता है वो आराम पसंद रह ही नहीं सकता उसके शरीर का सारा आलस्य खत्म हो जाता है एक बार उसके दिमाग में कोई बात आई कि इस काम को पूरा होना चाहिए तो उसके लिए वो कल तक का भी इंतजार नहीं करता अब देखो कुछ ऐसे भाई हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे पहले लेकिन उनके अंदर कभी ये हिम्मत नहीं हुई ब्रेकअप करने की क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अब दोबारा गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी या फिर वो लड़की को बिल्कुल ऊपर रख देते थे अपने से अब उन्होंने अपना सारा ध्यान हटाकर ब्रह्मचर्य में लगा दिया अंदर साहस बढ़ा कॉन्फिडेंट हुए अपने आप को लेकर रियालिटी को समझा और वो सभी लोग जो पीछे की ओर खींच रहे थे उन सबको छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत उन्होंने की यह है ब्रह्मचर्य का कंट्रोल अग्रेशन जो सही एक्शन लेने पर मजबूर करता है एक इंसान को अब अगर यही व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता तो हो सकता है वो जीवन भर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा रहता है डर डर के जीता उसे अपना वजूद अपनी एग्जिस्टेंस का कभी पता ही नहीं चलता या फिर अपने किसी भी इमोशन अपने थॉट फीलिंग्स पर कोई कंट्रोल ना होने के कारण हर दिन लड़ाई झगड़े होते रहते और बात आगे चलकर कहां तक चली जाती है दोस्तों आप जानते हैं ये तब होता है जब क्रोध इंसान को वश में किए हुए है पर हमारा एम है कि जो भी क्रोध एंगर इमोशंस हमारे अंदर है वो हमें पुश करे बदलने के लिए या एटलीस्ट इंप्रूव करने के लिए समय के साथ तो आप जो इस ऊर्जा को बचा रहे हैं ब्रह्मचर्य में यह आपके मैस्कुलिन एसेंस को बढ़ा रहा है अग्रेशन देकर और साथ में इसको कंट्रोल करने की क्षमता भी आप सीख रहे हो ब्रह्मचर्य में यानी दोनों तरफ से आपका फायदा हो रहा है क्या आप जानते हैं अखंड ब्रह्मचारी स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि इस एंगर मेस्क्युलर एनर्जी को भी ओजस में ट्रांसम्यूट किया जा सकता है जिस आदमी के दिमाग में ओजस ज्यादा होती है उसका ब्रेन लंबे समय तक किसी काम में ध्यान लगा सकता है उसके आंखों में चमक होती है और एक मैग्नेटिक ऑरा रहता है फेस के चारों तरफ बहुत कम शब्दों में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा और एक गहरा इंप्रेशन वो छोड़ सकता है और यही नहीं अखंड ब्रह्मचर्य से इंसान कई शक्तियों का मालिक बनता है पर इस चीज को अपने पर हावी मत होने देना जब ना मिले तो हमें इसका लालच नहीं करना है और अगर मिल जाए तो इसका अहंकार नहीं होने देना भगवान श्री राम के पास अपार शक्तियां हैं और उन पर नियंत्रण भी दूसरी तरफ रावण के पास भी शक्तियां थी लेकिन नियंत्रण नहीं था संतुलन नहीं था और अंत में जीत उनकी हुई जिन्होंने ताकत को संभाला और उसे महान उद्देश्य में लगाया मित्र एक दिन आपके पास भी बहुत ताकत होगी चाहे शरीर से हो दिमाग से हो या किसी भी स्तर पर लेकिन एक वादा करना है हम सभी को कि इसका यूज सिर्फ हम अच्छे काम के लिए ही करेंगे अपने माँ बाप के लिए समाज के लिए देश के लिए देश के लोगों के लिए, लिए दुनिया के लिए परमात्मा के लिए और अगर आप हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें दोस्तों अखंड ब्रह्मचर्य के लिए हमें कौन से नियम अपनाने हैं इससे लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे जरूर से देखें आपको काफी फायदा होगा इंस्टा और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़े उसके डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं सभी के लिए प्रार्थना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में